ब्रजमोहन श्रीवास्तव, क्या एनडीए में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी अजीत गुट को बीजेपी एनसीपी मानने को राजी नहीं है और इसीलिए रह रहकर शरद पवार को लुभाने की कोशिश होती है? लोकसभा के आंकड़े भी यही कहते हैं, असली एनसीपी शरद पवार की एनसीपी है। गणभाई देखिए, लोकसभा के आंकड़े क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, पर ये कहां से पता लगा कि सीटों पर लड़े थे, एक सीट जीते हैं। वो ठीक है ना, वो तो रिकॉर्ड पे, उसको तो कोई झुटला नहीं सकता, लेकिन ये कहां से पता लगा कि एनडीए में शरद पवार जी, आदरणीय शरद पवार जी को इसलिए आमंत्रित किया जा रहा है क्योंकि वहां से हम लोगों को या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उतनी उपयोगिता नहीं है, उसको बाहर किया जाना है? मैं सोचता हूँ ये पूरी तौर से एक तो मिथ्या परसेप्शन है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। मैं आपको फिर से स्पष्ट कर दूं, एनडीए की कार्य प्रणाली को थोड़ा समझने की लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एनडीए में निश्चित रूप से सबसे बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी, इससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन वो भी उतना ही सच है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने एनडीए साथियों के उन छोटे से छोटे दलों से भी चर्चा करता है जिनके पास अभी अगर कोई एमएलए कोई एमपी नहीं है, उनकी भी बातों का सम्मान किया जाता है, वहां पे कंधे से कंधा लगाकर एक साथ चलने की प्रक्रिया होती है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनडीए का एक प्रमुख घटक दल है और इसमें चूंकि महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ सारा मामला है, तो हम लोगों की बात को लगातार सम्मान भी मिलता है और हमारी बात को सुना भी जाता है। तो यानी कि छगन भुजबल साहब जो कह रहे थे ब्रजमोहन जी, वो गलत कह रहे थे। छगन भुजबल ने कहा तो आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं कि हमें लोकसभा में सीटें नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, विधानसभा में हम कम सीटों पर नहीं मानेंगे, ये तो छगन भुजबल साहब कह रहे थे। ठीक है ना, देखिए क्या गठबंधन, नहीं आदरणीय छगन भुजबल साहब ने ठीक बोला था, गठबंधन में जब रहते हैं तो गठबंधन के दूसरे साथियों का भी सम्मान करना होता है। ये बात सच है कि हम लोग ज्यादा सीट चाहते थे लेकिन उस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, तो गठबंधन ने बैठ के तय किया कि इसमें आपको ज्यादा सीटें नहीं दी जा सकती है, उसको हम लोगों ने स्वीकार किया। और इस तो बार ये कहना, ये जो छगन भुजबल साहब ही कह रहे हैं कि भाई 90 सीटें मिलेंगी तो लड़ेंगे, नगर निकाय के चुनाव आप अकेले लड़ ही लिए, ऐलान कर दिया अकेले लड़ने का। गरिमा जी बिल्कुल आप ठीक बोल रही हैं, अगर हम अपने समूह में बैठ के अपने गठबंधन में बैठकर अगर हम ये बात कहते हैं कि हमको 90 सीटें मिलना चाहिए, इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि हम अड़ गए हैं इस बात पे कि अगर आप 90 सीटें नहीं देंगे तो हम गठबंधन से बाहर चले जाएंगे या गठबंधन को तोड़ देंगे। जी, अगर हमने अपनी बात रखी है, ढोकर लड़ लिया, उद्धव ठाकरे ने कहा सीएम फेस पहले तय हो, शरद पवार तय कर दे, शरद पवार ने कह दिया मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है मुख्यमंत्री की। राहुल गांधी को एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने के बाद से शरद पवार साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। अगर इंडिया सीमेंटेड होकर लड़ लिया, जैसे लोकसभा लड़ा, आपको 17 पर ला दिया 41 से, तो ये चुनौती है क्या ब्रजमोहन श्रीवास्तव? नहीं गरिमा जी, आपने ये जो अगर लगाया, इस अगर में ही सारी बात छुपी हुई है। आज आप देखिए कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब की महत्वाकांक्षा कुछ और है और उनके जो हनुमान है आदरणीय संजय राउत साहब, वो तो प्रतिदिन सुबह उठ के पता नहीं क्या क्या बोलने रखते हैं और दिन भर उसी पे फिर बातें चलती है। नहीं, इसी तरह से आदरणीय नाना पटोले साहब कुछ और बोल रहे हैं। ब्रजमोहन जी, गठबंधन में कोई मतभेद नहीं उनके, शरद पवार ने कह दिया मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है मुख्यमंत्री का चेहरा उतारने की। ये तो निश्चित, ये आदरणीय शरद पवार जी ने कहा है ना, अभी नाना पटोले साहब ने क्या बोला, नाना पटोले साहब क्या बोल रहे हैं, आदरणीय संजय राउत साहब क्या बोल रहे हैं, जो उनकी उद्धव ठाकरे साहब के आर्किटेक्ट है, पॉलिटिकल आर्किटेक्ट है, वो क्या बोल रहे हैं, अगर उनकी सारे लोगों की बात सुनी जाए तो ऐसा लगता है जैसे INDIM में तो कोई सहमति पे बात ही नहीं हो रही है। उद्धव ठाकरे जबकि हमारे यहाँ समर्थन करूंगा उद्धव ठाकरे का, पर उद्धव ठाकरे साहब ने कहा, संजय राउत साहब से भी तो पूछ लीजिए एक बार कि वो क्या बोल रहे हैं इस मामले में, वो तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई बात बोलते हैं। तो मेरा कहना ये कि INDIA से हम एनडीए के लोग तुलना नहीं करना चाहते, हमारे यहाँ पे बहुत स्पष्ट है, हमारे यहाँ बैठ के हम लोग बात करते हैं और उस बात के बाद हम सब लोग सामूहिक निर्णय लेते हैं और फिर उसके बाद उस सामूहिक पे हम लोग एकमत रहते हैं, उसमें हम इधर से उधर नहीं हिलते। और हम लोग इस बात को पक्के तौर से जानते हैं कि आज भी देश की जरूरत को अगर कोई नेता पूरा कर सकता है तो उनका नाम सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है और हम सब लोग उनके साथ उनके साथ पूरी शक्ति के साथ लगे हुए। महाराष्ट्र को लेकर भी हम लोगों का स्पष्ट मत है। मैं आप बहुत बढ़िया पॉइंट पर आ गए,
यानी कि ये राज्यों के चुनाव भी नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, इंडिया वर्सेस एनडीए वर्सेस इंडिया, ये तय है ना? ना ना, आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को हम लोग कैसे अपने से दूर कर सकते हैं? उनका नेतृत्व तो है ही। और ये जो लोकसभा के जो परिणाम आया गरिमा जी, आप इसमें देखिए कि INDIA को जितने सांसद मिले हैं उतने उससे ज्यादा सांसद तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, ये तो बहुत ही स्पष्ट है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग सब काम कर रहे हैं और उनके ऊपर हम लोगों की पूरी आस्था है। ये परिणाम हम लोगों के हमारी आस्था को डिगाने वाले नहीं है।